अच्छा मुझे ये बताइए कि स्वनिधि योजना का लाभ लेने के लिए आपको कितने भागदौड़ करनी पड़ी, कितने अफसरों के पैर पकड़ने पड़े, क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या दिक्कत आई? मुझे ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ी, मुझे मेरे संगठन जो है प्रॉपर्टी व्यवसाय समिति और नगर निगम डूडा द्वारा लोग सर्वे किए, सभी लोगों को फॉर्म भरवाए नगर निगम, और उसके बाद मुझे एक हफ्ते के बाद मुझे बुलाया बैंक में, और मात्र बैंक में बुलाया गया, मेरा खाता यूनियन बैंक सोनापुरा शाखा में है, मुझे बुला करके बोला गया सर आपका लोन आया हुआ है 10,000 रुपए का, आप एक आधार कार्ड और जो नगर निगम का आपका सर्टिफिकेट है और बैंक का पासबुक दे दीजिए, मैं आपका 15 मिनट में लोन सेशन कर दूंगा। तो मैं भाग के घर गया और लेकर के आया, उन्होंने तुरंत अपना भाग दिया और दूसरे दिन मेरे खाते में 10,000 रुपए आ गए। लेकिन आपको भरोसा नहीं हुआ होगा पहले तो? जी नहीं, मुझे तो लगा कि मुझे पहले से लोग बेवकूफ बना रहे हैं कि 10,000 रुपए लोन मिल रहा है आपको। अच्छा ये मोमोज तो आजकल कहते हैं बनारस में बहुत खूब पसंद करते हैं। जी हाँ बहुत पसंद। लेकिन मैं बनारस आता हूँ, मुझे तो कोई खिलाता नहीं है सर। आपको मैं आमंत्रित कि मैं मोमोज और कॉफी और पिलाना। लेकिन हमारे यहाँ तो सिक्योरिटी वाले बड़े परेशान करते हैं, जब तक वो सारा चेक नहीं करते मुझे खाने नहीं देते। मैं तो एक भी खा लूंगा जैसे सबरी ने खिलाया था सिद्धराम ने। अरविंद जी क्या आपको पता है कि इस योजना में आप अपना ब्याज फ्री भी कर सकते हैं, ये मालूम है? जी सर। और सरकार आपको अलग से एक साल के लिए 20,000 रुपए तक की और सहायता भी दे सकती है, पता है? हाँ। पहले तो हम अपना लोन जो है समय पे कर देते हैं, तो समय पे उसको चुका देते हैं तो हमें 20,000 रुपया अगला जो लोन मिलेगा मुझे रोजगार करने में और भी मदद मिलेगी। और उसके बाद जो है कि अब तो हम लोग स्विगी से भी जुड़ गए हैं, जिससे ऑर्डर आ रहे हैं, तो ऑर्डर आ रहे हैं तो उसमें भी एक हफ्ते लग जाते हैं पैसे आने में। तो अगर मेरा 20,000 रुपया आते हैं मेरे पास तो वो ऑर्डर को कवर करने में और लोगों तक अपना देने में मुझे काफी मदद मिलेगी उस 20,000 रुपया से। तो कोरोना के कारण वहाँ लोग भीड़ इकट्ठी होती होगी? जी नहीं, इस समय तो सोशल डिस्टेंसिंग के मैंने एक लगा रखा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग पे आएंगे मास्क पहन के सोशल डिस्टेंसिंग और डिजिटल पेमेंट करेंगे उनको मैं अपनी तरफ से एक मोमोज फ्री में दूंगा। अरे वाह। आपने तो बहुत बड़ा काम किया है जी, कि आपने एक समाज सेवा के लिए अपना मोमोज से लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, ये बहुत नई खबर है जी। बहुत मैं आपका अभिनंदन करता हूँ इस विचार को। अरविंद जी और कौन सी योजनाओं का लाभ आपको मिलता है, सरकार की तरफ से कौन सी योजनाओं का लाभ मिलता है? पहला लाभ तो मुझे मेरे परिवार को सुरक्षा के लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना हम लोग का। दूसरा जो है मेरे परिवार में बीपीएल कार्ड है, आयुष्मान कार्ड, अंत्योदय कार्ड है, जो कोरोना काल में मुझे 20 किलो राशन 1 किलो चावल फ्री अभी तक मिल रहे हैं। तीसरा जो है 12 रुपए का हमने एक्सीडेंट जो बीमा कराया, फिर 330 रुपए का कराया। एक सबसे अच्छी जो बीमा हम लोग के लिए की गई है श्रम योगी योजना जो है 150 रुपए कटेगा, जो हम लोग अगर एज 60 साल हो जाती है उसमें 3,000 रुपए हम लोग को मंथली मिलेगा, जो कि उस समय हम लोग के लिए जीवन दान रहेगा। चलिए अरविंद जी ये जानकर बहुत खुशी है कि सरकार की सब योजनाएं आप तक पहुंच रही है। बनारस के सब लोगों को भी मेरा प्रणाम कहिएगा, बनारस ने जिस तरह से कोरोना से लड़ाई लड़ी है वो बहुत ही अहम है, ये सावधानी आगे और भी ज्यादा रखनी है। आपका काम खूब आगे बढ़े, मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।